हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड टुडे इज डे 3 और टाइम अभी हो चुका है 9:30 और अभी हम लोग निकले हैं गुलमर्ग के लिए टुवर्ड्स गुलमर्ग और मेरे साथ है इस समय मेरा फ्रेंड फुरकान जो सामने है सागर मम्मी पापा एंड जुबेर भाई हमें गुलमर्ग की साइड लेके जा रहे हैं और आज देखते हैं वहाँ का वेदर और वहाँ की जो भी आज हम करेंगे स्नो एक्टिविटीज और रस्ते में जितनी भी चीजें पड़ेगी उसके बारे में आपको अपडेट करते हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट गाइस वेलकम टू गुलमर्ग और हम यहाँ से गुलमर्ग और हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच चुके हैं हम लोग। बीच में टंगमर्ग में हमारा कोविड टेस्ट हुआ था जो कि नेगेटिव था और अब हम लोग गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे और गोंडोला राइड लेके ऊपर जाएंगे और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा हम कहाँ पर घूम रहे हैं और स्कीइंग वगैरह हर चीज आपको अपडेट करूंगा। सो वेलकम टू गुलमर्ग एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर विद मी। सो गाइस सो हम लोग जा रहे हैं गुंडूर राइड करने और सुबह से जा रहे हैं मम्मी बैठी है इंसान भी साथ है पर स्टार्ट हो गई है स्लिंग कहानी बैठे पापा निकल चुके सुरकान निकलने वाले पैर का रखना है ओ भाई सुने हमारी जो पलट चुकी है भाई कहाँ गिरा दिया था भी आपने यहाँ गिर चुके थे फुरकान आगे आगे हम फुरकान के पीछे पीछे चल भाई धक्का दे पलट चलो 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 शताब्दी एक्सप्रेस पूरा दिन और ये सवारी आ गई अपनी अपनी सवारी है इनके दोस्त हेलो इधर देखो जा रहे हैं स्लिंग करते हुए स्लिंग करते हुए जा रहे हैं हम लोग गंडोला साइड जहाँ पे हमने हमारे साथ हैं 5 players हैं हमारे साथ और 1 guide जो हमें गंडोला तक लेके जा रहे हैं। फेज 1 जाएंगे हम लोग और ऊपर जाके जो भी रहेगा स्कीम का मैं आपको अपडेट करूँगा और स्कीइंग स्लिंग का भी काफ़ी अलग ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये लेके जाते हैं ऐसे और ऐसे बैठे हुए देख सकते हो आप दिस इज आवर व्यू ब्यूटीफुल व्यू Enjoy while playing. So guys, हम लोग पहुंच गए हैं गोंडोला राइड जहाँ से स्टार्ट होती है और मैंने आपको एंट्रेंस दिखा दी है और 740 पर पर्सन है यहाँ से गोंडोला तक जो ऊपर आपको फेस 1 तक लेके जाएगा। सो फ्रेंड्स हमारी गोंडोला राइड स्टार्ट होने वाली है यहाँ से फुरकान मेरे साथ है और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से पूरा स्नो कवर्ड है सारा का सारा और ऊपर और ज्यादा मजा आने वाला है।
और ये व्यू है, दिस इज व्यू। सभी लाइन में लगे हुए क्योंकि जनरल राइड के 5/26 दिसंबर है और बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों क्या है यहाँ पूरा। हमारा गंडोला आ चुका है और अब हम इसी में जाने वाले हैं और ये हम सारे गाइड के साथ बैठ चुके हैं गंडोला पे। सो गंडोला राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट व्यू So this is the beautiful view of gondola ride. हम पहुंच गए फेस्ट वन और गंडोला से चलते थे। सो फ्रेंड्स मेरे पीछे ये स्नो बाइक काउंटर जहां से आप टिकट परचेस कर सकते हैं और जो पूरा आपको सर्किट कवर पूरा स्नो बाइक अभी यहां से ऑपरेटर लेके जाएगा आपको पूरा K1 तक। अच्छा K1 तक जाएंगे हम लोग। हां ठीक है K1 से आप चलाओगे K2 तक। अच्छा K1 में जाओ। K1 में बताइए क्या कवर करते हैं। K1 में आपको खाली फोटो वोटो लेने हैं बस आप वापस आ जाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने ट्रिप कवर कर ली है गुलमर्ग की, जिसके अंदर हमने स्कीइंग करी है और स्नो बाइक करी है और काफी एंजॉय करा है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं गंडोला की तरफ और फिर नीचे जाएंगे। ये हमारा फेस वन था जहाँ हमने काफी एंजॉय करा है। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बहुत सेफ है और बहुत एंजॉयबल है। पीस आउट, पीस आउट। तो अभी हम गंडोला में बैठे हैं और पावर चला गया है और हम बीच में ही फंस गए और अभी रुका हुआ है गंडोला काफी टाइम से। बट वी आर स्टिल एंजॉइंग इन द मिडल रोप पे। सो पावर आ गई है और अब गंडोला राइड फिर से स्टार्ट हो गई है और दोबारा से स्टार्ट हो रही है गंडोला राइड और एक इधर जाते हुए। Oh, 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 oh
सो गाइस गंडोला राइड हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हम लोग आए थे और ये स्लो करते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छा नजारा है, बहुत ही सुंदर व्यू है। अहमद भाई और हम जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सही लेके जा रहे हैं अहमद भाई हमारे। याहू याहू, चाहे मुझे क्वेश्चन नहीं करना, बस गिराने से बचाना, गिराना मत। नहीं 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 आप और चलो बस चलो दादा, अरे टक्कर लग गया, वो डरते क्यों आप? डरा नहीं मैं। स्नो, ये स्नो है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, चर्च, फुरकान प्ले करता हुआ जा रहा है, एंजॉय करता हुआ। तो फ्रेंड्स, आकिब भाई ने हमें घुमाया यहाँ पे गुलमर्ग में, जो हमें पिकअप पॉइंट से स्लेइंग करते हुए हमें गंडोला राइड तक लेके गए थे, और अब उसके बाद गंडोला राइड से हमें वापस लेके जा रहे हैं जहाँ से इन्होंने पिक करा था, और बहुत इंजॉय करा हमने स्लेइंग करते हुए। और आकिब भाई, ये अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आकिब भाई से मिल लेगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे सेफ्टी से, सारे सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करके इन्होंने हमें यहाँ पे घुमाया है। सो गाइस, हमारे आकिब भाई कुछ बताने वाले हैं यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कश्मीर आते रहना। हाँ, कश्मीर अगर आएंगे तो आप घुमाओगे हमें? हाँ, पक्का घुमाओगे? पक्का घुमाऊंगा। कहाँ कहाँ लेके जाओगे? गंडोला, वहाँ चिल्ड्रन पार्क है। अच्छा, गंडोला तक लेके जाओगे? हाँ। चलो सही है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे बर्फ किस टाइम स्टार्ट होती है, स्नोफॉल किस टाइम होती है? नवंबर से। नवंबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। हाँ। अच्छा, और जो स्नो रहती है कब तक रहती है? ये रहेगी 20 मई तक। अच्छा, 20 मई तक स्नो रहती है। ठीक है ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और कश्मीर आते रहना और लाइक करना। सो गाइस, आज का व्लॉग हमारा होता है यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी आता हूँ यहाँ पे तो मैं आपको सारा घुमाऊंगा, सारा दिखाऊंगा फिर से। सो गाइस, सारी ट्रिप कंप्लीट करने के बाद गुलमर्ग से हम लोग आ चुके हैं श्रीनगर, और अभी मैं हूँ डल लेक। डल लेक में हाउस बोट में स्टे कर रहे हैं, और डल लेक के ऊपर हर जगह अभी जहाँ पे मैं हूँ हाउस बोट्स हैं, और मेरे आगे लेफ्ट राइट देख सकते हैं, इस समय नाइट व्यू है और मैं हाउस बोट का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। और टेम्परेचर इस समय -3°C है यहाँ पे, और हाउस बोट काफी कंफर्टेबल है, और मैं आपको हाउस बोट का टूर भी दूंगा कैसा रहेगा हाउस बोट अगर आप फैमिली के साथ आते हैं और अच्छी ट्रिप करते हैं। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट अपडेट।